तो आज हम बनाएंगे ओरियो चोकोलावा केक। ये चोकोलावा केक की इजीएस्ट रेसिपी होने वाली है। केक बनाने में सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है केक का बैटर बनाना, लेकिन इस केक का बैटर आप एक मिनट से भी कम टाइम में घर पे बनाकर तैयार कर लोगे। और हाँ, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो के बीच में आपको गिव अवे से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज मिलने वाली है, तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे वही छोटी सी गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, मैं प्रकाश सिंह, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल ट्विस्ट ऑफ टेस्ट पे। तो चोकोलावा केक बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लिया। प्रेशर कुकर में हम प्लेस करेंगे 250 ग्राम के आसपास नमक। ये यूज किया हुआ नमक है, मैं बार बार इसी नमक से बेकिंग करता हूँ। अब इस नमक को हम चारों तरफ कुकर में अच्छे से फैला देंगे ताकि हीट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। आप चाहे तो नमक को स्किप भी कर सकते हो। नमक को फैलाने के बाद नमक के ऊपर हम प्लेस कर देंगे एक जाली का स्टैंड, और स्टैंड प्लेस करने के बाद इसको हम 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हीट होने देंगे। और जब तक ये हीट हो रहा है तब तक हम बैटर बना लेते हैं केक के लिए। तो उसके लिए मैंने ओरियो बिस्किट लिए हैं 10 रुपए वाले, और मैंने इस तरह के 4 बिस्किट लिए हैं। इन सब को अब हम पैकेट से निकाल करके अपने प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे चारों पैकेट को। और आप देख सकते हैं कि हमने चारों पैकेट को प्लेट में ट्रांसफर कर लिया। अब प्लेट से इसको हम डालेंगे ब्लेंडिंग जार में। तो चारों पैकेट बिस्किट को हम ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफर कर देंगे, और ब्लेंडिंग जार में जब चारों पैकेट बिस्किट ट्रांसफर हो जाए तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इनो ले सकते हैं, इनो का 1 टीस्पून इसमें डाल दे, सेम रिजल्ट आएगा। बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 कप दूध। आप कच्चा दूध या उबाला हुआ दूध, कोई सा भी दूध ले सकते हो। अब इस दूध को डालने के बाद अब हम अपने ब्लेंडिंग जार को कवर करेंगे, और कवर करके इसका हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और ये देखिए, हमने इसे ब्लेंड कर लिया और हमारे केक का बैटर बिल्कुल एक मिनट से भी कम टाइम में बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको अब हम ट्रांसफर करेंगे अपने मोल्ड में। तो उसके लिए हमने लिया है ये केक टिन। आप चाहें तो इसमें भी बना सकते हैं अगर आपको बड़ा बनाना हो, या फिर आप इस तरह के कोई छोटे कटोरी में भी बना सकते हो, किसी भी मेटल की कटोरी में आप बना सकते हो। तो मैं आज बना रहा हूँ इस छोटे से कटोरी में। तो इस कटोरी को अब हमें करना है ग्रीस। उसके लिए हमने एक ब्रश पे बटर लगाया। आप चाहे तो तेल से भी या घी से भी इसको अच्छे से ग्रीस कर सकते हो। इसको चारों तरफ हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे ताकि केक को डीमोल्ड करने में हमें आसानी हो। और जब ये बाउल हमारा अच्छे से ग्रीस हो जाए, उसके बाद इसमें हम ट्रांसफर करेंगे अपने केक के बैटर को। फिलहाल इसमें हम अभी ज़्यादा बैटर फिलअप नहीं करेंगे। इसमें मैं 2 से 3 स्कूप बैटर डालूंगा, और उसके बाद हम कुछ और करेंगे। बीच में लावा डालना तो बनता ना, चॉकलेट डालना। तो 2 स्कूप बैटर डालने के बाद आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ही नीचे से फिलअप हुआ है। तो इसको हम अच्छे से टैप कर देंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स है वो निकल जाए। तो इसके अंदर का सारा एयर बबल्स निकल चुका है। तो इसमें अब हम प्लेस करेंगे डेयरी मिल्क। आप कंपाउंड चॉकलेट भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे डेयरी मिल्क का यूज़ किया है। 20 रुपए वाला पैकेट मैंने लिया है, और ये मेरे पास डेयरी मिल्क के कुछ क्यूब्स है। तो इसको हम सेंटर में प्लेस करेंगे और इसके साइड्स को हम क्लियर रखेंगे। साइड्स में हम चॉकलेट नहीं डालेंगे, आप जितना चाहो उतना चॉकलेट डाल सकते हो। मैं यहाँ पे 8 क्यूब्स डाल रहा हूँ और 2 रख रहा हूँ अपने पास ही। और उसके बाद जो हमारे पास बैटर बचा था, उस बैटर से हम अपने बाउल को फिलअप कर देंगे। और पूरा फिलअप नहीं करना, ऊपर से आपको 1 इंच जगह छोड़ देनी है। आप देख सकते हो बाउल में मैंने पूरा फिलअप नहीं किया, और अगेन इसको टैप करके जो भी एयर बबल्स हैं उसको निकाल देना है। और ये रेडी हो चुका है बेक करने के लिए। तो चलते हैं अपने कुकर की तरफ और इसे रखते हैं कुकर में। तो ये हमारा कुकर बहुत ही अच्छी तरीके से हीटअप हो चुका है, आप देख सकते हो। तो इसके सेंटर में हम प्लेस कर देंगे अपने केक के बैटर को, और केक के बैटर को प्लेस करने के बाद इसमें हम लगाएंगे ढक्कन। ढक्कन में मैंने रबर नहीं लगाया और विसिल नहीं लगाया। अब इस ढक्कन को लगाने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट बेक करेंगे। ज़्यादा नहीं बेक करना क्योंकि हमारा बिस्किट ऑलरेडी पहले से बेक्ड है। और अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहे तो 170°C पे 15 मिनट बेक कर ले। तो 15 मिनट बाद हमारा केक देखते हैं ओपन करके कितना तैयार हुआ है। तो ये देखिए, हमारा केक बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है, मतलब पक चुका है, ये बेक हो चुका है। अभी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो इसको हम चेक करेंगे एक टूथपिक के जरिए। टूथपिक को हम साइड से अंदर डालेंगे
बीच से ना डालें क्योंकि उसमें चॉकलेट मेल्टेड होगा। आप देख सकते हैं मेरा टूथपिक बिल्कुल क्लियर है, तो इसका मतलब केक बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। तो इसको अब हम कुकर से निकाल लेंगे, बहुत ही सावधानी से निकालना है आपको, कुकर बहुत ही ज़्यादा गर्म है, और इसको 2-3 मिनट ठंडा होने देंगे। तो जब तक हमारी केक ठंडी हो रही है तब तक मैं आपको बता देता हूँ हमारे चैनल पे चल रहे गिव अवे के बारे में। तो ये जो लास्ट वीडियो है ना हमारी शाही पनीर वाली, इस पे हमने एक छोटा सा गिव अवे अरेंज किया है आपके लिए। आप अगर इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करोगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करना। तो अब हम चलते हैं अपने केक की तरफ। तो 3 मिनट ठंडा करने के बाद हमारा केक रेडी हो चुका है, तो इसे हम डीमोल्ड करेंगे और बहुत ही आसानी से हमारा केक डीमोल्ड हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कितना परफेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी केक है। और इसको मैं कट करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर से कैसे लावा बाहर आएगा। तो इसको हमने सेंटर से कट किया और नाउ लुक एट दिस एंड द लावा विच इज कमिंग आउट। और इस केक को गर्म ही खाने में मज़ा है, तो इसे आप गर्म ही खाइएगा। तो इसको मैं और भी ज़्यादा काट करके आपको बिल्कुल अंदर से दिखाता हूँ कि ये कितना ज़्यादा चॉकलेटी है अंदर से और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा फ्लफी है। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो इसमें मैं अभी हाथ नहीं लगाऊंगा, आपको क्लोजअप दिखाता हूँ। तो ये देखिए क्या लाजवाब लग रहा है ना, बिल्कुल परफेक्ट केक। और बहुत ही आसान रेसिपी है, वो तो आपने देख ही लिया है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई करना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो का लिंक अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियो ना भी पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आगे और भी इम्प्रूव कर सकें। तो मिलते हैं जल्दी आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग ट्विस्ट ऑफ टेस्ट। बाय बाय।